व्यूअर्स, बेबी सेंटर चैनल मॉम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा आपके सामने एक बार फिर से नई जानकारी के साथ। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपके बच्चे एक साल से कम उम्र के हैं तो उन्हें रोजाना विटामिन डी का डोज देना ना भूले। साथ ही एक साल से कम उम्र के बच्चों को किन्हीं भी 3 महीनों में आयरन की डोज देना भी ना भूले। फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है ये बेबी केयर ओरिएंटेड है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बेबी ऑयल मसाज के बारे में और साथ ही एक खास शैम्पू जो बच्चों के लिए है उसके बारे में आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, बेबी ऑयल मसाज के बारे में बात करने से पहले आपको बता देती हूँ ऑयल मसाज बच्चों के लिए क्यों जरूरी होता है। जो बेबीज बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इनफैक्ट जो बच्चे न्यूली बॉर्न होते हैं, उन बच्चों को मसाज ऑयल देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहली बात तो ये कि वो बच्चा जो होता है बेड में होता है, मूवमेंट ज्यादा नहीं कर पाता है, तो मदर्स की ड्यूटी होती है कि बेबी की जो बॉडी है, बेबी की जो मसल्स है वो एक्टिव बनी रहे, और इन्हें एक्टिव बनाने के लिए आपको बेबी को ऑयल मसाज देनी होती है। इसके साथ ही दोस्तों, बेबी को ऑयल मसाज करने से बेबी के बॉडी में जो है ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होते हैं, और साथ ही ऑयल मसाज करने से बच्चे की स्किन ग्लोइंग होती है, शाइनी होती है और हेल्दी होती है, और साथ ही ऑयल मसाज करने से बच्चे की मसल्स और हड्डियां भी मजबूत होती है, और इसके साथ ही बच्चे का जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी स्ट्रांग होने लगता है। तो ये सारी बातें होती है कि बच्चे को ऑयल मसाज देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब बात करते हैं बेबीज के लिए मसाज ऑयल के बारे में। तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ लोटस के इस बेबी मसाज ऑयल के बारे में। ये जो मसाज ऑयल है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, और मैं इसे यूज कर रही हूँ। ये मेरा सेकंड बॉटल है और जब से मैं इसे यूज कर रही हूँ तो मुझे इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स अपने बेबी की स्किन पर नजर आते हैं। लोटस का ये हर्बल बेबी मसाज ऑयल जो है ऑलिव से और स्वीट ऑलमंड से बना हुआ है। जब मैं इसे अपने बेबी के लिए मसाज में यूज करती हूँ तो मैंने नोटिस किया है कि ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होता है, नॉन स्टिकी लगता है मुझे, और बच्चे की स्किन पर बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत ज्यादा माइल्ड है ये। और आपको बता देती हूँ कि ये आपके बच्चे की स्किन को बहुत ही अच्छे से नरिश करता है, साथ ही बहुत अच्छे स्ट्रेंथन देता है। ये ऑल टाइप स्किन के लिए है। अगर आपकी बेबी की स्किन सेंसिटिव है या फिर नॉर्मल है, दोनों ही स्किन पे आप इसे यूज कर सकते हैं। और जैसा कि ये बेबी मसाज ऑयल नेचुरल है, हर्बल है, और इसके जो इंग्रेडिएंट्स जैसे कि रेयर प्लांट्स वगैरह हैं, हर्ब्स हैं या फिर फ्लावर्स वगैरह हैं, ये हैंड पिक्ड इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ है। साथ ही फ्रेंड्स, सल्फेट, एल्कोहल या फिर पैराबिन, पैट्स, मिनरल ऑयल्स वगैरह इसमें नहीं है, और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो एलर्जन फ्री है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपको बता देती हूँ कि प्रिजर्वेटिव्स इसमें बिल्कुल भी नहीं है और पेट्रोलियम फ्री ये मसाज ऑयल है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल जो ये प्रोडक्ट है ये बहुत ही ज्यादा नेचुरल है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है यूज करने में। तो फ्रेंड्स, जब से मैं इस बेबी ऑयल को यूज कर रही हूँ तो अपने बेबी के साथ साथ मुझे इससे भी बहुत ज्यादा अफेक्शन होने लग गया है। तो आप भी इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं बेबी के मसाज ऑयल के लिए। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे मसाज ऑयल अवेलेबल हैं, लेकिन जैसा कि इसमें ऑलिव और स्वीट ऑलमंड है, तो ऑलिव और ऑलमंड में जो है बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि बेबी की स्किन को अच्छे से नरिश करते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप लोटस का ये बेबी मसाज ऑयल एक बार जरूर ट्राई करिए। आप अगर इसे ट्राई करेंगे तो आपको खुद जो है इफेक्ट नजर आएंगे अपनी बेबी की स्किन पे, और आई एम डैम श्योर कि आप यूज्ड हो जाएंगे लोटस हर्बल के इस बेबी मसाज ऑयल के लिए, कि आप अपने बेबीज की स्किन के लिए यही यूज करें। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा पहला प्रोडक्ट, और अब मैं बात करूंगी बेबीज के शैम्पूज के बारे में। जितना ध्यान हमें अपने बच्चे की स्किन का रखना चाहिए, उतना ही ध्यान हमें अपने बच्चों के बालों का और अपने बच्चे की स्कैल्प का भी रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बच्चे का जो स्कैल्प होता है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव भी होता है पार्ट को, इसमें कई बार प्रॉब्लम भी हो जाती है अगर बच्चे का जो स्कैल्प होता है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, क्या होता है कि अगर आपके बच्चे की जो स्कैल्प है वो ड्राई रह जाता है तो इससे कभी कभी क्रेडल कैप होने का खतरा भी बन जाता है, और क्रेडल कैप जो होता है वो पीली पपड़ी होती है जो कि बच्चे के सिर पे हो जाती है, और इसे फिर छुड़वाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और किन्हीं कंडीशनों में ये जो है बहुत ही ज्यादा घातक रूप भी ले लेती है। तो बच्चे के बालों को अच्छा करने के लिए, बच्चे के बालों को नरिश करने के लिए, बच्चे के बालों को पूरा प्रोटीन अच्छे से मिले, बच्चे के बालों को पूरा पोषण अच्छे से मिले, इसके लिए जैसे फ्रेंड्स आपको पता ही है कि प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दूं कि बच्चे के बालों के लिए कोकोनट भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, बच्चे की स्किन के साथ साथ आपको स्कैल्प का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और स्कैल्प का ध्यान आप तभी रख पाएंगे जब आप अपने बच्चे को एक अच्छा सा शैम्पू देंगे। तो बच्चे के बालों के लिए मैं एक खास शैम्पू आपको सजेस्ट करने वाली हूँ जो कि है रस्टिक आर्ट का। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और ये जो प्रोडक्ट है ये कोकोनट से तैयार किया गया है। कोकोनट फ्रेंड हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये कोकोनट नेक्टर बेबी शैम्पू है, और ये जो शैम्पू है बहुत ही ज्यादा माइल्ड है, और इसके जो रिजल्ट्स हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अमेजिंग है। अगर आपके बच्चे के जो बाल हैं बहुत ज्यादा ड्राई फिजी आपको लगते हैं कि हो रहे हैं, अगर आपके बच्चे के बालों का टेक्सचर जो है थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो आप कोकोनट के शैम्पू साथ जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रस्टिक आर्ट का ये प्रोडक्ट बिल्कुल नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। ये जो प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इसमें सल्फेट,
पैराबीन और साथ ही सिलिकॉन फ्री है ये, जो कि ये सारे के सारे केमिकल्स होते हैं, हार्श केमिकल। और जैसा कि इसमें लिखा है कि 0 to 5 ईयर तक आप अपने बेबी को इससे शैम्पू कर सकते हैं, तो ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं, लोटस का बेबी मसाज ऑयल और साथ ही रस्टिक आर्ट का ये कोकोनट नेक्टर बेबी शैम्पू, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ अपने बेबीज के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना ये जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर की जाए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे से रिव्यूज दे दिया है, डिटेल्स दे दी हैं, तो सिमसिम पे मेरे स्टोर पे आप ये प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, वहां पर ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो कीजिए मेरे स्टोर पर स्मार्ट शॉपिंग। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, और मेरे इस चैनल मॉम इन इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय विद योर लव्ड वंस।